तो हे गाइस, कैसे आप लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो आज आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा। तो आज मतलब मेरी बाइक को आज नहीं, मतलब 12 को हमारी गाड़ी को 1 साल हो चुका था। तो आज हम लोग उसी की वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि खड़ी है हमारी बाइक। ये लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब यहाँ पे एकदम मैंने जुगाड़ करके स्टैंड पे खड़ी करके बिल्कुल सीधी रही इसे, और आप लोग देख सकते हैं। गाइस, मैंने कुछ जुगाड़बाजी भी करी है इसके टेल लाइट के साथ, मतलब ये अभी तो टेम्प्ररी है, इसे फाइनल लुक मेरे को देना है अभी। तो उसकी वीडियो जल्दी आएगी, उससे पहले आप लोग ये देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कि 1 ईयर ओनरशिप के बारे में, कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या क्या मैंने चीज़ें लगाई वो तो चलो बाद में बताएंगे, पर क्या क्या मैंने प्रॉब्लम फेस करी, क्या मेरे को अच्छा लगा इस बाइक पे, और लास्ट में गाइस आप लोगों के कमेंट्स पे भी आंसर दिया जाएगा। गाइस, मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, लाइक वाइक करने लाइक भी कर देता हूँ कुछ, बट सारे नहीं पढ़ पाता। तो जो जो मैंने देखे हैं तो उसका मैं नॉर्मली जवाब दे दूँगा कि कैसे आएंगे कैसे नहीं है। बाकी चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसके वो इन्जॉय कर लीजिए सिनेमैटिक शॉट्स, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, होप करता हूँ आपने सिनेमैटिक शॉट्स इन्जॉय किए होंगे। कुछ मैंने नया ट्राई किया, मतलब देखिए क्या, ये इंडोनेशिया का था तो वो मैंने देख के ट्राई किया। तो आप देख सकते हैं मेरी बाइक। बाकी आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके 1 ईयर ओनरशिप के बारे में। तो मैंने आपको बताया जैसे कि मेरे को गाड़ी को 1 साल हो चुके हैं और ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आई है मेरे को। पहले इसकी गाड़ी के बारे में बात कर लें तो 155 सीसी का मोटर है और 18 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है, और लुक तो आपको पता ही है गाइस कितना धांसू है, ये देख सकते हैं। इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं गाइस, जो मतलब डार्क वेरियर का 11 कलर्स नहीं आते हैं, मेरे गाड़ी के 6 दिन लेने के बाद वो 11 कलर्स नहीं आए थे, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग इसकी बात करें प्रोस की गाइस, तो पहले तो 155 सीसी का मोटर है तो अच्छी खासी पावर है, ऐसी कोई नहीं है कि पावर आपकी जा रही है। और दूसरी बात करें इसकी हैंडलिंग की, तो गाइस हैंडलिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ, ट्रैफिक फिल्टर भी बहुत प्यारा होता है। तो उसके बाद जो बचता है हमारा मोड्स, आफ्टर मार्केट सपोर्ट इसका बहुत है। और बात करें माइलेज की, तो गाइस माइलेज आप देख सकते हैं मैं निकालता हूँ 45-50 प्लस निकालता हूँ, तो माइलेज में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो क्वालिटीज़ तो उसकी बहुत सारी हैं, तो अब इसके ज़रा उस पर बात कर लेते हैं अपनों कॉन्स के बारे में। तो गाइस कुछ कुछ दिक्कत हैं इसमें, ठीक है, मतलब मैंने जो 1 साल में नोटिस किए हैं कुछ कुछ दिक्कत हैं। तो गाइस पहले तो इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब जितनी ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि होनी चाहिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इन लोगों को सबसे पहली बात, इसका जो फ्रंट है बहुत ज़्यादा हल्का है तो बहुत ज़्यादा वॉबल करता है, मतलब थोड़ी सी भी हाई स्पीड में जाओ तो वॉबल करता है, और गड्ढे में एक बार भी जाएगी तो ऐसा वॉबल करेगा कि आप लोग डर जाएंगे। उसके बाद इसका जो ये फुटरेस्ट है, ये R15 में भी है, V3 में इसका फुटरेस्ट बहुत ज़्यादा काँपता है, मतलब अगर मैं ऐसे खोल के रखूँ, ऐसे बंद रखूँगा तो बहुत ज़्यादा काँपता है ये पता नहीं क्या इशू, सभी MT में या मेरी MT में पता नहीं, बट ये काँपता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड रीज़न आया था इसका, मतलब मैंने आपको बता दिया थोड़ी बिल्ड क्वालिटी लो है, तो हल्का सा हैंडल गिरा था, मतलब हल्का सा हैंडल गिरा था, पूरा हैंडल टेढ़ा हो गया, तो उसमें मैंने नया हैंडल ऑर्डर दे रखा है। और इसका, और हाँ गाइस, इसका मैंने स्क्रू खोलने की कोशिश करी थी, तो जब मैंने स्क्रू खोला तो स्क्रू के साथ ये नीचे से ही निकल के आ गई, ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे से ही निकल के आ चुका है, और ये टूट गया, मतलब मेन यहाँ से टूट गया। तो ये पूरा मैंने चेंज कराया, ये भी 140 का, ये आपको अगली वीडियो में। तो गाइस मैंने कॉन्स के बारे में आपको बता दिया, तो कॉन्स कुछ इतने ज़्यादा नहीं जितने ज़्यादा सोच रहे हैं आप। अब मैं बात करता हूँ कि वर्थ है अपना 2021 में लेने के लिए कि नहीं, तो गाइस हाँ बिल्कुल वर्थ है। और जैसे आप कॉलेज में लेके जाते हैं ये गाड़ी, तो उसके लिए भी ठीक है, और लॉन्ग टूर भी आप इसमें आराम से कर सकते हैं, बस थोड़ा सीटिंग का दिक्कत है, वो आप लोग कम्फर्ट करा सकते हैं, तो वो थोड़ा फोम वोम लग जाएगा, तो उसके साथ वो आराम से निपट सकता है।
और गाइज कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि 2021 वाली लेनी चाहिए या रुकना चाहिए नए मॉडल के लिए। तो गाइज मेरे ख्याल से ये वाला मॉडल बिल्कुल अच्छा है। नए मॉडल में क्या अपग्रेड मिलेगा, अगर मिल गया तो क्विक शूटर डाल देंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल डाल देंगे, इन लोगों का तो यही चलता है, और महंगी कर देंगे गाड़ी। तो मेरे हिसाब से रुकना कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और ये गाड़ी इतनी बेटर बनाई गई है कि आप लोग ले सकते हो। पावर ड्रॉप आपको नहीं लगेगी, ये मैं आपको एश्योर करके दे रहा हूँ। सिटी राइड आप आराम से कर सकते हो, सिटी फिल्टर आप आराम से कर सकते हो, और उसके बाद जो बसता है हमारा मॉड्स, तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितने ज़्यादा हो सकते हैं इसके साथ, मतलब जितने ज़्यादा आप सोच सकते हो उतने ज़्यादा मॉड्स उसमें हो सकते हैं। और रेडर गार्ड वगैरह मैंने लगा रखा है, तो वो आपके लिए एक प्रॉफिट रहता है कि आपका रेडर गार्ड बचा रहेगा, रेडर जो अपना है वो बचा रहेगा। बाकी एक चीज़ जो खलती है, कौन सा मैं जोड़ना चाहता हूँ, तो वो जो गाइस एक मिनट, तो गाइस का चेन सेट देखिए, मतलब सब गाड़ी का देखा, मेरे पास KTM है मैंने उसका देखा, तो उसका चेन सेट ये बहुत ज़्यादा पतला है। पता नहीं क्यों ऐसा दिया, किस कारणवश दिया है, पता नहीं किस लिए दिया है, बट बहुत ज़्यादा पतला है तो थोड़ा ऑड लगता है। अब बाकी इसमें मैं कुछ सोच रहा हूँ, गोल्डन कलर का स्प्रॉकेट लगाऊंगा, तो उसकी मेरी बात चल रही है, मतलब थोड़ा टाइम में लगाऊंगा, अभी तो चेन सेट मेरा बचा हुआ है, जो तो बचा था तो चल रहा है ठीक है, जैसे ही आएगा तो गोल्डन ही लगेगा, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहिएगा। तो गाइस कुछ मॉड्स इसके लिए मंगवाए हैं, मतलब मैं रोज़ वीडियो में, रोज़ कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ ज़्यादातर कि इसके कुछ ना कुछ मॉड्स आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है आने में। मैंने इसके मिरर्स बनाने की सोची है गाइस, CNC मिरर बहुत प्यारे लगेंगे, इसका बहुत प्यारा लुक आता है, और उसके लीवर गार्ड जो मैंने पहले लगा रखे थे वो भी मैं मंगाऊंगा कुछ अच्छे से, मतलब जो अच्छा लुक दे, पुराने वाले नहीं, पर इस बार कुछ नया लुक मंगाऊंगा। बाकी तो गाइस आप लोगों ने बताइएगा सिनेमैटिक्स कैसे लगे। बाकी हम लोग अगर बात करें कुछ कमेंट्स की गाइस आ रहे थे, तो सबसे पहले गाइस थैंक यू, मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, इतना ज़्यादा प्यार मिलता है मेरे को हर जगह से, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, और मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने का। तो आप लोग ऐसा सपोर्ट गाइस करते रहिए तो अच्छा लगेगा मेरे को। बाकी अगर बात करें तो गाइस हर जगह से प्यार आता है, मतलब वेस्ट बंगाल, नागालैंड, पता नहीं किस किस जगह से, तो दिल से सब थैंक यू गाइस सबको। बाकी अगर बात करें, कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि आउटरमास की एग्जॉस्ट लगाना नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, तो गाइज मैंने आपको बता रखा वो वाली वीडियो में, वो अलग से मेरी वीडियो बन रखी है, तो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी और बात करें और क्या क्या पूछा गया, मैं ये फिन्स कहाँ से लिए गए, तो ये गाइज प्रोजेक्ट मोटर आर्ट के हैं, बहुत लोग पूछते हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं गाइज, ये बहुत प्यारा लुक आता है। और कुछ लोग और जो लोग पूछते हैं, एक मिनट गाइज, माइलेज क्या दे रही है, तो गाइज माइलेज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा निकाल रहे हैं। अगर आप अच्छी चला बाइक, ना ज़्यादा तेज भगा रहे हैं, ना ज़्यादा वो रेव कर रहे हैं मोटर को, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आराम से आप लोग निकाल सकते हैं 45-50, और अगर आप ज़्यादा रेव भी करेंगे तो 40 प्लस तो कहीं नहीं गया, मतलब मैंने जितना नोटिस किया है, मैंने पिछली राइड पे अगर आपने देखा पिछली वाली वीडियो एड्रेनलिन रश वाली, तो उसमें मैंने पूरा पूरा भगाया था, तो मेरा 43 प्लस तो था, मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गाइज मैंने आपको बता दिया कि वर्थ है कि नहीं है, मेरे हिसाब से गाइज रुकना तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि गाइज ये मेरे को परफेक्ट मॉडल लगता है, मतलब अगर आगे भी कुछ निकालेंगे तो यही मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें पावर ड्रॉप मेरे को बिल्कुल नहीं लगती, हाँ BS4 में पावर ज़्यादा है, पर इसमें पावर ड्रॉप नहीं लगती। BS4 में शायद ये वाला कलर भी नहीं था, तो ये वाला कलर BS6 में ही आया था, तो ऐसा कोई मेरे लिए मेजर इशू नहीं है BS4 और BS6 का। बाकी अगर आगे जो आएगी शायद पावर उसमें ड्रॉप कर दें कुछ कर दें, तो वो जैसे कि R15M है, वो थोड़ी सी लो पावर फील होती है, बाकी इसमें तो मेरे को कोई फील नहीं होता। और बात करें आपको एक बार अगर मैं एग्जॉस्ट नो सुना दूं, गाइज ये सब देख सकते हैं सामने से लोग, तो गाइज इस वीडियो में ये लगते हैं, और आप बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि वर्थ है कि नहीं है, क्या क्या है, मतलब कौन से हैं, क्या क्या प्रोज हैं इसके साथ। बाकी इस वीडियो में ये रखते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।